महफूज रहें। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आगाही मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मार्च मुसलमानों के फिक्री और अमली इत्तेहाद का दिन। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। कोरोना के बाइस 23 मार्च के हवाले से होने वाली तकारीब मनसूख कर दी गई। कौम को 23 मार्च 1940 के जज्बे की तरह मुत्तहद होने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान मुश्किल वक्त में भी गरीबों का सोच रहे हैं। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का पैगाम, कहा हुकूमत वक्त आने पर मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। आज मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने का दिन है। वजीर कानून ने ऐसा कहा। वजीर कानून राजा बशारत का कहना था कि कोरोना से जल्द निमट लेंगे। मेयो अस्पताल में 14 तस्दीकशुदा मरीज जेरे इलाज हैं। सूबे में वायरस से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 222 तक जा पहुंची। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। हजारों मुलाजमीन मियामीर अस्पताल में जमा। मुलाजमीन में मोटरसाइकिल्स की तकसीम के बाद गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। पंजाब काबीना का हंगामी इजलास कल तलब। काबीना इजलास में कोरोना समेत 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। महकमा एनर्जी, सोशल वेलफेयर और खुराक से मुतालिक अहम फैसले होंगे। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। जिले इंतजामिया मुतहरिक। शहर की सड़कों की जरासीम खुश पानी से धुलाई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और दीगर मकामात पर जरासीम खुश स्प्रे किया। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर महकमा बल्दियात पंजाब के इकदाम। डिवीजन की सतह पर सीनियर अफसरान को बतौर फोकल पर्सन जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। मंथ की सैलरी जो सीएम पंजाब ने कोरोना के पेशेंट के लिए एक रिलीफ फंड कायम किया है, मैं उसमें डोनेट करती हूं। और मैं अपील करती हूं कि मेरे तमाम पार्लियामेंटेरियन जो कोलीग हैं, बहन भाई हैं, वो भी दिल खोल कर इस रिलीफ फंड में अतियात दें और कम से कम अपने एक माह की सैलरी जरूर डोनेट करें। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसरत जमशेद चीमा का अहसन इकदाम। 3 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान कर दिया। कहती है कोरोना से जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोग इस टाइम टॉर्चर के अंदर हैं। इस चीज को तमस्खर के अंदर मत लेके जाएं। काइंडली दिस इज माय रिक्वेस्ट कि इस चीज को मत करें। और जो लोग पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेलेंट। कोरोना वायरस को मजाक ना समझें, लोग तकलीफ में हैं। मारूफ गुलुकारा हदीका कयानी का वीडियो पैगाम। नरगिस कहती है कि मिलकर कोरोना से मुकाबला करेंगे। खुदारा बिला जवाज घर से ना निकलिए। एहतियात सब पे लाजिम है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। 8 सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुयसर होगा। सेक्रेटरी लेबर सारा असलम और महकमा सेहत में मुआहिदा। अस्पतालों को वेंटिलेटर्स समेत तमाम तिबी सहूलियात दी जाएंगी। कोरोना वायरस का खतरा है। पीआईए ने अपनी परवाजों में खाना देने पर पाबंदी लगा दी। कोरोना वायरस खत्म होने तक दौराने परवाज मुसाफिरों को सिर्फ पानी फराहम किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स और तलबा का कारनामा।
हैंड सैनिटाइजर्स, एंटी बैक्टीरिया और एंटीसेप्टिक मास्क और टिश्यू पेपर्स भी तैयार कर लिए गए। कोरोना वायरस से बचाव, जानवरों को महफूज रखने के लिए चिड़ियाघर इंतजामिया मुतहरिक। जानवरों की खुराक में इजाफा, अमले के लिए हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। अकेडमी ऑफ एडवांस टीचिंग हॉरिजन्स का एहसन इकदाम, तलबा के लिए ऑनलाइन टेस्ट का इनाकात किया। 158,061 तलबा ने ऑनलाइन टेस्ट में हिस्सा लिया। मिस्री शाह में डकैती के दौरान शहरी का कत्ल, वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर यहां पर, दो डाकुओं को लूट मार के बाद नासिर को गोलियां मारते हुए देखा जा सकता है। डिफेंस में नौजवानों का मुखालिफ ग्रुप के घर पर धावा, गार्ड्स को यरगमाल बनाकर तोड़ फोड़ की। नौजवान इंस्टाग्राम पर लाइव हिदायत लेते रहे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, जोहर टाउन ई ब्लॉक में कार्रवाई, 3 इमारतें मिसमार कर दी गईं। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। और कोरोना के बाद तालीमी इदारे बंद, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों के लिए जिंदगी का चराग रोशन रखने का मिशन है। ताजिरों ने बच्चों के लिए खून के अतियात दिए।